वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी बोलिए अच्छे मुहावरों के साथ के छठे अंक की कर रहा हूँ शुरुआत। आज मैं जिन तीन मुहावरों की चर्चा करूँगा वो इस प्रकार हैं, बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, दूसरा मुहावरा है बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, और तीसरा है ब्लाइंड एली। पहले मुहावरे की चर्चा कर लेते हैं, बिल्डिंग कासल्स CASTLES, बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, इसका अर्थ होता है हवाई बातें करना या हवाई महल बनाना या हवाई किले खड़े करना। हम आम जीवन में ऐसी भाषा हमेशा प्रयोग में लाते ही हैं। उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा, देयर इज नो यूज ऑफ बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव। There is no use of building castles in the air. Be content with what you have. इसका अर्थ ये होता है कि हवाई महल या हवाई किले खड़े करने का या हवाई बातें करने का कोई फायदा नहीं है, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहिए। दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, building castles in the air is never fair. देखिए राइमिंग भी बन गई है, बिल्डिंग कासल्स इन द एयर इज नेवर फेयर, मतलब हवाई महल बनाना या हवाई बातें करना कभी भी तर्कसंगत या अच्छा नहीं होता है। अगले मुहावरे की बात करूंगा, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, मतलब पीछे से छुपा हुआ प्रभाव या नाजायज प्रभाव या कोई ऐसा काम करना करवाना जो कि गलत है, हम छुप छुपा के कर रहे हैं, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। उदाहरण देना चाहूंगा, आई नो ही गॉट द प्रमोशन थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, मुझे पता है कि इन्होंने जो प्रमोशन प्राप्त किया है इन्होंने छुप कर गलत तरीके से अपने प्रमोशन को प्राप्त किया है। एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, मान लीजिए घर के जो मुखिया हैं हमारे पापा मम्मी या किसी कंपनी के जो चेयरमैन हैं वो अपने कर्मचारियों से कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर दैट आई नेवर सपोर्ट बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। कंपनी के जो हेड अपने कर्मचारियों से कह रहे हैं कि यह बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं नाजायज प्रभाव या छुपे हुए प्रभाव या गलत तरीके से अप्रोच से किसी भी काम को करने का समर्थन नहीं करता हूं। इससे कर्मचारी में ईमानदारी भी आएगी और वह कंपनी अच्छा परफॉर्म भी करेगी। उम्मीद है मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूंगा। तीसरा मुहावरा है ब्लाइंड एली, BLIND, ब्लाइंड एली, ALLEY, ब्लाइंड एली का अर्थ होता है ऐसी एक स्ट्रीट, ऐसी एक गली जो कि एक साइड से तो ओपन है लेकिन दूसरे साइड से वह बंद है। मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और आपके सामने कोई व्यक्ति उसी गली में प्रवेश कर रहा है और आपको पता है कि यदि वह व्यक्ति उस गली में जाएगा तो उसे वापस आना पड़ेगा क्योंकि आगे का रास्ता बंद है, तो आप कहेंगे प्लीज डोंट गो फ्रॉम दैट स्ट्रीट, इट इज ए ब्लाइंड एली, है ना। किसी राहगीर की मदद करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, और हमें पता है कि वह रास्ता गलत है, हम कहेंगे प्लीज डोंट गो फ्रॉम देयर, इट इज ए ब्लाइंड एली, क्योंकि यह स्ट्रीट एक साइड से बंद है इसलिए आप इधर से मत जाइए, आप उधर से चले जाइए, ऐसा हम कह सकते हैं। अंत में वही कहूंगा जो हमेशा कहूंगा, कहता हूं अंग्रेजी सीखिए, अवश्य सीखिए, सीखनी ही चाहिए, लेकिन यदि अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई शर्म डर झिझक की बात नहीं है, लेकिन अपनी मदर लैंग्वेज जिनकी भी जो है या अपनी राजभाषा हिंदी सभी को आनी चाहिए। अंत में मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की चार अमर पंक्तियों से अपनी बातों को समाप्त करूंगा, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही को शूल। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।